आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मनीषा की रसोई में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं झटपट से बन जाने वाली चटपटी आलू एंड चने की चाट। तो आइए फिर हम आगे के प्रोसेसर में चलते हैं, इसको किस तरीके से हमें बनाना है। तो गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चना चाट, जिसके लिए हमने 3 टेबल स्पून ये काले चने जो काबुली चने होते हैं वो ले लिए थे, और इसे हमने रात में पानी में भिगो के रख लिया था। अब हम इसे सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं ताकि हम इसकी चाट बना सकें। इसको हमने एक कुकर में डाल लिया, इसके साथ साथ हम लोग आलू चना चाट बनाने जा रहे हैं, तो एक आलू मैंने धो के इसमें डाल दिया है। एंड अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरीके से भीग जाए। ये मीडियम साइज का ग्लास है, 2 ग्लास पानी डाल दिया मैंने इसमें। एंड इसके साथ ही साथ 1 टीस्पून इसमें नमक। गैस कर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, गैस ऑन करके मीडियम हाई फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 सीटी लगा देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो जाए। तो सबसे पहले हमने गैस को ऑन कर लिया है एंड उसके ऊपर बर्तन रख दिया है। आप किसी भी कढ़ाई या जो भी कोई इस चाट को बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उस बर्तन को आप गैस के ऊपर रख सकते हैं ऑन करके। एंड जैसे ही हमारी कढ़ाई जो है वो थोड़ी सी गर्म होती है, हम इसमें ऑयल डाल देंगे 1 स्पून। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे हम। देन हमने जो अपने चने बॉइल करते टाइम उसमें 1 आलू डाला था बॉइल होने के लिए, उसके साथ ही उसको हमने छील के रख लिया है। एंड सबसे पहले हम उस आलू को छोटे छोटे पीसेस करके फ्राई कर लेंगे, बिकॉज इससे चाट जो है हमारा वो बहुत ही टेस्टी लगती है एंड साथ ही साथ बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देती है। तो अब हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, तो हम आलू को इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़े क्रंची ना हो जाए। ये देखिए गाइस हमारे जो आलू है वो थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं, क्रंची लुक दे रहे हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको निकाल के साइड कर लेते हैं। आइए तो हम सबसे पहले इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है एंड साथ ही साथ अब हम इसमें सारे मसाले जो है वो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून के जितना लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालिए, बट इसको डालने के बाद स्वाद अलग ही आता है। एंड ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये कलर वाली मिर्ची है, इसके डालने के बाद कोई भी अगर हम सब्जी बना रहे हो या चाट बना रहे हो कुछ भी, एक अलग ही लुक आता है जो कि देखने में भी बहुत टेस्टी लगता है। साथ ही साथ देखने में अगर किसी की सूरत अच्छी हो गई तो ऑटोमेटिकली है कि खाने के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। एंड इसके साथ साथ अब हम इसे इसमें डालेंगे 1 स्पून के लमसम पानी। ये जो घोल बनाना है हमें इतना बनाना है कि ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, लिक्विड ही होना चाहिए। इसको अच्छे से मिला लेते हैं, इससे क्या है जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएंगे एक साथ डालने से। अदरवाइज हम लोग जब चाट बनाएंगे और उसमें अगर पहले डालेंगे तो क्या होगा कि कुछ मसाले हैं वो जल जाएंगे, तो इट्स बेटर कि हम पहले से उसका घोल बना के रख लेते हैं। ये हमारा मसाला बन गया है, इसको हम साइड में रख देते हैं और आइए हम चलते हैं गैस ऑन करके
ये देखिए गैस को हमने ऑन कर लिया है एंड हम उसी कढ़ाई में ही इसको फ्राई करेंगे जिसमें अभी हमने आलू फ्राई करके निकाले थे। आप देख पा रहे होंगे उसमें हमारा थोड़ा सा जो था वो ऑयल रह गया था, इसी ऑयल में ही हम आगे की रेसिपी को कंप्लीट करेंगे बिकॉज ये बहुत ही यम्मी चाट है जो हम जिसमें कम ऑयल यूज होता है। तो हमारा जो ऑयल है वो थोड़ा सा गर्म पहले भी था जब हमने आलू निकाले थे, उस टाइम पे मैंने गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर दिया था, मैंने फिर से ऑन कर लिया है, अभी इसे मीडियम फ्लेम पे रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें हींग डालेंगे, हाफ टी स्पून के जितनी, आप चाहें तो अपने स्वादानुसार इसमें हींग का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमने मसाले तैयार किए थे उस मसाले को डालेंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे। इसको हम एक से दो मिनट इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से एक बार इसमें उबाल आ जाए, थोड़ा सा ये जो मसाले हैं वो अपना पानी छोड़ दे या इसमें तेल आने लग जाए। ये देखिए मसाला जो है हमारा अच्छी तरीके से मिल चुका है और इसमें ऊपर आप ऑयल देख पा रहे होंगे। तो आइए हम चलते हैं इसमें जो हमने चने बॉईल करे थे उसको मिक्स करते हैं। तो ये देखिए हमारे जो चने हैं वो अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो आपको भी इसी तरीके से पकाना है। अब हम इसको इसमें मिक्स कर देते हैं और जो हमारे मसाला है उसमें अच्छी तरीके से मिला देते हैं ताकि हमारे जो चने हैं उसमें अच्छी तरीके से ये कोट हो जाए और सब में अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो हमें तब तक इसको मिलाना है जब तक ये अच्छे से मिल ना जाए। इसमें दो से तीन मिनट के लिए हमें इसे इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अगर आप कंटिन्यूअसली नहीं मिला सकते तो इसे दो से तीन मिनट आप ढक के भी रख सकते। ये देखिए हमारे जो चने हैं वो अच्छी तरीके से मिल चुके हैं, हम गैस का जो फ्लेम है उसे अब बंद कर देते हैं और इन चनों को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 5 से 7 मिनट। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें बाकी का आइटम मिलाएंगे या जिससे ये और भी यम्मी बनेगा वो चीजें हम ऐड ऑन करेंगे। ये देखिए गाइस हमारी जो चने हैं वो अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। कितने चटपटे लग रहे हैं, आपको शक्ल से ही कितने सुंदर लग रही है। मुझे तो साथ ही साथ बहुत स्पाइसी एंड टेस्टी, अभी से इतना स्वाद आ रहा है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा। एंड अब हम इसमें डालेंगे, हमने एक कटी हुई प्याज ले ली है मीडियम साइज की। अगर आपको चाट में बहुत ज्यादा प्याज खानी हो तो आप प्याज का साइज जो है वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने तो मीडियम ही साइज की प्याज ली है, सेम मैंने मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए लिए हैं, मैंने इन्हें अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है एंड इसके साथ साथ एक कटी हुई हरी मिर्च बारीक कटी हुई, क्योंकि भाई मैं तो इसको बिल्कुल चटपटी वाली चाट बनाने वाली हूँ। और एक टी स्पून हरा धनिया मैंने बारीक कटा हुआ ले लिया है। अब विदाउट नींबू हमारी चाट तो हो ही नहीं सकती, तो एक नींबू, आप चाहो तो इसमें अमचूर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, देखिए कितनी सुंदर सूरत लग रही है, आप लोग के मुंह भी देख के एकदम से पानी आ रहा होगा ना, तो देख क्या रहे हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी ये बनी है। लॉकडाउन का टाइम है, बहुत से लोग होते हैं जो फूडी होते हैं एंड स्ट्रीट फूड को बहुत मिस करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो इस टाइम पे हम लोग स्ट्रीट फूड्स नहीं खा सकते हैं
और आप जो भी हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जो आप ऑनलाइन मंगाते हैं, प्लीज़ आप उसे अवॉइड कीजिए, अपने घर में खुद ही बनाइए। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है एंड मोस्टली ये सब चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती है, तो हम इस ये हमारे लिए हेल्दी भी होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये जो चने होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो आप इस तरीके से चाट बनाइए और इसको सर्व कीजिए, अपनी फैमिली को खिलाइए, खुद खाइए। इसके साथ साथ हमने जो आलू अपने फ्राई करके रखे थे अब हम उसको मिक्स करेंगे इसमें। अगर आपको आलू नहीं डालना है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज चाट के संग आलू जो है वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप भी आप चाहें तो इसको इस तरीके से मिला के अपनी चाट बना सकते हैं, इसीलिए हम इसको आलू चाट बोलते हैं, आलू चना चाट। अगर आपको आलू जो है वो फ्राई नहीं करने हैं तो आप जस्ट बॉइल्ड करके उसको छोटे छोटे पीस करके ऐसे भी मिला सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा फ्राई करके पसंद है इसीलिए मैं इस तरीके से डालती हूँ। आइए हम इसको सर्व करने की तरफ चलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी जो चटपटी आलू चने की चाट है वो बनके तैयार हो चुकी है सर्व इन खाने के लिए। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है या मेरी वीडियो पसंद आती है, इसके साथ ही साथ प्लीज मेरा जो YouTube चैनल है मनीषा की रसोई, उसको सब्सक्राइब करना ना भूले।